किस मुद्दे पर चुनाव होगा इस बार? सबसे वहाँ बड़ी समस्या है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के जितना वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि हुए, जो MLA हुए, अभी तक सब वहाँ पर लोग को यही कहते आए कि मैं विधायक बनूंगा तो मैं यहाँ कुछ इसको जिला बनवा दूंगा। आज तक वहाँ जिला नहीं बन सका। जिला की सबसे बड़ी उस क्षेत्र की मांग है कि सरघाटी जिला हो, और सबसे पहला मेरा प्राथमिकता होगा मैं सरघाटी को जिला बनवाने की कोशिश करूँ, और सरघाटी अगर जिला बन गया तो वहाँ का विकास हो जाएगा। RJD की तरफ से अली खान जी लगातार भागदौड़ करते दिख रहे हैं, पैर मारते दिख रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि RJD की तरफ से उन्हें टिकट मिल जाएगा। वो बॉलीवुड एक्टर हैं और काफ़ी लोगों के बीच प्रशंसक भी उनके काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में लगता है कि अली खान जी आपके लिए चुनौती होंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अली खान साहब को टिकट मिलता है तो अब लालू यादव जी की पार्टी का मैटर है, तेजस्वी यादव देखेंगे क्या होता, किसको टिकट देंगे, उनकी बात मैं क्या करूंगा। तो वहाँ के जो युवा होंगे वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रहे होंगे। ऐसे में ये लगता है कि टक्कर जो है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाली? कोई टक्कर नहीं है। तेजस्वी यादव युवा की क्या बात करेंगे, वो तो बेरोजगारी की क्या बात करेंगे। जो आदमी आया हो और उसको हजारों करोड़ की दौलत देखा हो, और जो भ्रष्टाचार में आया, कदम रखा, उस भ्रष्टाचार में MLA भी नहीं हुए, उनको भ्रष्टाचार का FIR हुआ। आप लोग जानते हैं क्या क्या मैटर है, सारा चीज़। गरीबी का दर्द क्या होता उनको क्या पता है? उनको कुछ पता नहीं है। लालू जी जो है उनको सारा चीज़ बनाकर करोड़ों अरबों रुपया कमाकर, चाहे भ्रष्टाचार करके कहूँ भी जमा करके दे दिए हैं, घर मकान सारी सुविधा मिली हुई है, उनको क्या पता है कि युवा क्या होता है, युवा का दर्द क्या होता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रजा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो गई है। इसी बीच अब प्रत्याशियों के उतरने का सिलसिला भी जोरों पर है। ऐसे बीच हमारे साथ एक और प्रत्याशी हैं जो इस बार JDU की तरफ से शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में ताल ठोक सकते हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि इनका टिकट कन्फर्म है। इस वक्त हमारे साथ JDU के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सबलू खान हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, हम सरघाटी से अपना दावा पेश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से 25 तारीख को हमारी मुलाकात हुई थी, उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। वहाँ पर जो JDU के MLA हैं विनोद कुमार यादव जी, उनका बहुत क्षेत्र में शिकायत है। लोग ने सब आकर, जितने वहाँ के कार्यकर्ता आकर मिले माननीय मुख्यमंत्री से, उनको उनके बारे में फीडबैक दिया कि अगर वहाँ पर अगर इनको फिर से लड़ाया जाएगा तो ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसी को लेकर मैं भी 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ मेरे फीडबैक है, मैं इस पर विचार कर रहा हूँ, आपकी दावेदारी पर भी विचार हो रहा है, और मुख्यमंत्री के आश्वासन पर हैं, देखिए क्या फैसला होता है। तो आपको लगता है कि वहाँ की जनता आप पर भरोसा करेगी? अगर करेगी भी तो क्यों? आप क्षेत्र के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या रणनीति आपकी? हम शुरू से समाज के कार्य से, सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं। मैं 2 टर्म मुखिया भी रहा हूँ, वहीं अनुमंडल है, एक डुमरिया प्रखंड है, वहाँ से मैं आता हूँ, और सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा एक NGO है जो साल में 30-40 बच्चे को, 50 बच्चों को, जिनको हायर एजुकेशन दिलाने का काम करता है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो, और उनके सारी फीस, सारा चीज़ मेरा NGO जो है वहन करता है। मैं एक NGO चलाता हूँ, NGO के माध्यम से लोग की मदद करता हूँ। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र की अगर समस्या की बात करें, क्योंकि आप वहाँ से आते हैं और इस बार आप वहाँ के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकना चाहते हैं, ऐसे में वहाँ की बड़ी समस्या आपको क्या लगती है, किस मुद्दे पर चुनाव होगा इस बार? सबसे वहाँ बड़ी समस्या है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के जितना वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि हुए, जो MLA हुए, अभी तक सब वहाँ पर लोग को यही कहते आए कि मैं विधायक बनूंगा तो मैं यहाँ कुछ इसको जिला बनवा दूंगा। आज तक वहाँ जिला नहीं बन सका। जिला की सबसे बड़ी उस क्षेत्र की मांग है कि सरघाटी जिला हो, तो मैं उस मांग को सबसे पहले, मैं विधायक अगर मुझे टिकट मिल गया तो मैं श्योर हूँ, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि अगर टिकट मिल गया तो मैं श्योर हूँ कि मैं चुनाव जीतूँगा, और सबसे पहला मेरा प्राथमिकता होगा मैं सरघाटी को जिला बनवाने की कोशिश करूँ, और सरघाटी अगर जिला बन गया तो वहाँ का विकास हो जाएगा। विकास
आप जेडीयू की तरफ से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और वहां से तेजस्वी यादव भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो वहां के जो युवा होंगे वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भरोसा कर रहे होंगे। ऐसे में ये लगता है कि टक्कर जो है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाली। कोई टक्कर नहीं है, तेजस्वी यादव युवा की क्या बात करेंगे, वो तो बेरोजगारी की क्या बात करेंगे। जो आदमी आया हो और उसको हज़ारों करोड़ की दौलत देखा हो और जो भ्रष्टाचार में आया कदम रखा, उस भ्रष्टाचार में MLA भी नहीं हुए, उनको भ्रष्टाचार का FIR हुआ, आप लोग जानते हैं क्या क्या मैटर है सारा चीज़। उनको क्या पता है युवा की दर्द क्या है, गरीबी का दर्द क्या होता है, उनको क्या पता है, उनको कुछ पता नहीं है। लालू जी जो है उनको सारा चीज़ बनाकर करोड़ों अरबों रुपया कमाकर चाहे भ्रष्टाचार करके कहूँ भी जमा करके दे दिए हैं, घर मकान सारी सुविधा मिली हुई है, उनको क्या पता है कि युवा क्या होता है, युवा का दर्द क्या होता है, बेरोजगारी का दर्द क्या होता है, इससे कोई वाकिफ नहीं है। उन्होंने कोई स्ट्रगल किया है? एजुकेशन के क्षेत्र में भी कोई स्ट्रगल नहीं किया है? अगर एजुकेशन के क्षेत्र में स्ट्रगल करते हैं तो कम से कम इंटर तो कर लेते हैं, मैट्रिक तो कर लेते हैं, कुछ तो किया नहीं। लालू जी के नाम पर कि लालू यादव जी के बेटा हैं उसी पर चल रहे हैं। युवा का दर्द उनको क्या पता है कि युवा का दर्द क्या होता है। शेरघाटी की बात करें तो वहां से RJD की तरफ से अली खान जी लगातार भागदौड़ करते दिख रहे हैं, पैर मारते दिख रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि RJD की तरफ से उन्हें टिकट मिल जाएगा। वो बॉलीवुड एक्टर हैं और काफ़ी लोगों के बीच प्रशंसक भी उनके काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में लगता है कि अली खान जी आपके लिए चुनौती होंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, अगर अली खान साहब को टिकट मिलता है तो अब लालू यादव जी की पार्टी का मैटर है, तेजस्वी यादव देखेंगे क्या होता किसको टिकट देंगे, उनकी बात मैं क्या करूँगा। कोई भी आए सामने, मैं जिस पार्टी से रहूँगा उसके लिए काम करूँगा, उसके साथ रहूँगा और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी आएगा मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा, मैं चुनाव जीत के रहूँगा। तो साफ तौर पे कहना है कि इस बार भी CM नीतीश कुमार ही होंगे और जो मुद्दा है शेरघाटी का, खास करके वहाँ पर जो आबादी है वो एक ज़िले बनने लायक की आबादी है और ऐसे में जितने भी विधायक बने उन्होंने पहले तो ये बातें कही कि ज़िला बनाएंगे, लेकिन अब तक शेरघाटी को एक अलग ज़िला घोषित नहीं किया गया, नहीं बनाया गया। ऐसे में इनका कहना है कि अगर ये विधायक बनते हैं तो शेरघाटी को ज़िले के तौर पर विकसित करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News4Nation। नमस्कार।